हेलो एवरीवन सो क्लास फाइव एज द न्यू सेशन हैज़ स्टार्टेड तो हम भी जो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर लेते हैं सो विल पिक टुडे जीके राइट जीके यूनिट वन नंबर वन लैंग्वेज एंड लिटरेचर हम पेज नंबर वन को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द किचन सो लुक यू हैव टू सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज क्लूज की हेल्प से हमें पज़ल को सॉल्व करना है ओके सो द फर्स्ट वन इज़ अ ड्रिंक अदर देन वाटर ड्रिंक अदर देन वॉटर लाइक टी कॉफी इसे हम क्या बोलते हैं सो इट इज कॉल्ड अ बेवरेज इट इज कॉल्ड बेवरेज सो बेवरेज की स्पेलिंग देखिए बी ई वी इज ऑलरेडी रिटन ई आर ए जी ई बेवरेज सेकेंड टू डेकोरेट फूड थर्ड क्लास में भी हमने पढ़ा था डेकोरेट करना फूड को दैट मीन्स गार्निश करना क्या कहते हैं हम उसे गार्निश ठीक है ना जैसे कोरिएंडर से मिंट से हम डेकोरेट करते हैं सो दिस इज गार्निश सो द स्पेलिंग इज़ जी ए आर एन आई एस एच नेक्स्ट टू कुक बाय ड्राई हीटिंग किसी चीज़ को पकाना कुक करना बाय ड्राई हीटिंग तो थर्ड क्लास में साइंस में हमने सब कुछ पढ़ा था ड्राई हीटिंग से जब हम कुक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं रोस्टिंग ठीक है ना बिना ऑयल के ठीक है ना किसी भी चीज़ वाटर को नहीं यूज़ करना है सिर्फ हमने उसको हीट करना है ड्राईली तो उसे हम बोलते हैं रोस्ट करना सो इट इज़ आर ओ एस टी आई एन जी रोस्टिंग नेक्स्ट अ डिश ऑफ रॉ वेजिटेबल्स सर्वड कोल्ड विद मील्स एक ऐसी डिश रॉ वेजिटेबल्स की जिसको हम ठंडा ही बिना पकाए ठीक है ना हम क्या करते हैं खाने के साथ खाते हैं तो हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं सैलड एस ए एल ए डी सैलेड नेक्स्ट नंबर फाइव नाइव फॉक्स एंड स्पूंस यूज फॉर ईटिंग नाइव स्पूंस फॉक्स इनको हम कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलते हैं कटलरी सी यू टी एल ई आर वाई कटलरी नेक्स्ट टू स्लाइसेज ऑफ़ ब्रेड्स पुट टूगैदर विद सम फिलिंग बिटवीन दैम ब्रेड की स्लाइसिस को हम एक साथ फिलिंग करके वेदर इट इज़ पटैटो फिलिंग या फिर हम थोड़ा इसे कुकुम्बर से ठीक है टमाटो से फिलिंग हम कर सकते हैं अनियन से तो उसे हम क्या कहते हैं एक सैंडविच क्या कहते हैं सैंडविच ब्रेड के स्लाइसिस के बीच में किसी भी तरह की फिलिंग ओके नेक्स्ट स्टिक्स यूज बाई चाइनीज टू ईट देर फूड तो देखिए इस तरह की स्टिक्स जो है इनका यूज करते हैं चाइनीज खाना खाने के लिए सो दिस दी स्टिक्स आर नोन एज चॉप स्टिक्स सी एच ओ पी चॉप स्टिक्स एस टी आई सी के एस स्टिक्स नेक्स्ट एन एपर्टाइजर यूजअली टे टेकन इन द बिगनिंग ऑफ मील एक लिक्विड फॉर्म में एपरटाइजर जो हम लेते हैं किसके पहले खाने से पहले इट इज नोन एज सूप इट इज़ नोन एज सूप Okay, so this was the first page of your From the Kitchen Language and Literature. Tomorrow we'll do another page, okay, and one by one we'll complete the whole GK. So goodbye, everyone, and stay healthy.